नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान के कई शहरों में आज जमकर छापेमारी की और सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। खबर टोंक और डूंगरपुर से है और पाली से भी सामने आई है। डूंगरपुर में तो दो अलग अलग मामलों में छापे मारकर आरोपियों को रंगे हाथों अधिकारियों ने पकड़ा, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। वहीं पाली के तहसील कार्यालय में 8,000 रुपये लेते कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सहायक पर आरोप है कि उसने मूल निवास बनवाने के एवज में पैसे मांगे थे। आरोपी के खिलाफ मामला मिलने के बाद एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी कुछ और भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी डिटेल्स हम आपको लगातार इस वक्त पर दे रहे हैं। एसीबी उदयपुर की टीम ने डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाने के कांस्टेबल रोहित कटारा को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी कांस्टेबल रोहित पर अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने वालों से अवैध वसूली का आरोप है। उसके पास से रिश्वत में दिए 15,000 रुपये बरामद किए गए। एसीबी सीआई सोनू शेखावत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और शेखावत ने बताया कि बिछीवाड़ा थाने में कांस्टेबल के खिलाफ परिवादी ने 29 अप्रैल को शिकायत दी थी और हाईवे 48 पर, नेशनल हाईवे 848 पर अवैध रूप से फ्यूल बेचने का आरोप है। और कुछ कमोबेश एसीबी की कार्रवाई टोंक में भी देखने को मिली, जहां सहायक उप निरीक्षक को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी ने परिवादी से परिवाद को निपटाने के एवज में राशि मांगी थी। 20,000 मांगे थे, जिस पर 15,000 में मामला सेटल हुआ और टोंक के महिला थाने में तैनात एएसआई शंकर लाल को कोटा एसीबी ने पैसे लेते हुए ट्रैप कर लिया। मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद कोटा एसीबी एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। तो एसीबी महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवीश प्रकाश मेहरडा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि एसीबी ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन 1064 संपर्क करें इस पर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना योगदान दें। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह मौजूद है जयपुर से, और टोंक से हमारे साथ रवीश टेलर भी जुड़ेंगे। सीधा रुख पहले हर्षा का करेंगे। हर्षा, जिस तरह से जब से सरकार बनी है, खास तौर पर करप्शन को लेकर बड़ी क्रैकडाउन देखने को मिल रही है, लगातार एसीबी में भी अभी हाई ऑफिसर्स में बदलाव हुए, उसके बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और नए सिरे से खासतौर पर पुलिस महकमे को निशाने पर लिया गया, रडार पर लिया गया है। देखिए, आज जो है जगह जगह कार्रवाई हुई है। कोटा यूनिट ने करी है कार्रवाई, उदयपुर यूनिट ने कार्रवाई करी है और जोधपुर यूनिट ने पाली में कार्रवाई करी। तो वहाँ पर जो यूडीसी था, जो क्लर्क था पाली में, उसे पकड़ा गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो कोटा यूनिट की कार्रवाई है, वो अपने ही एक डेप्यूटी जो एसएचओ होता है, जिसे कहते हैं कि असिस्टेंट एएसआई, उसको पकड़ा गया है। और वो महिला थाने में था और उसने वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो पर्सनल केसेस होते हैं महिला थाने में, जो केसेस होते हैं उसमें, जैसे डाउरी का, हैरेसमेंट का केस है, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें, वो उसने 20,000 मांगा था लेकिन उसे 15,000 रुपये लेकर पकड़ा गया है। और ये अपने ही पुलिस महकमे ने, अपने ही पुलिस महकमे ने कार्रवाई की है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सहायक उप निरीक्षक महिला थाना टोंक का था। और फिर हम देखते हैं कि डूंगरपुर में भी कार्रवाई हुई है। इसमें उदयपुर की जो इकाई है एसीबी के, उन्होंने एक 15,000 रुपये कांस्टेबल को लेते हुए गिरफ्तार किया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वहाँ पर जो पेट्रोल पंप से लेकर जो पेट्रोल इलीगली एक तरह से सेल करते हैं रूरल में, क्योंकि आप जानते हैं कि दूर दराज इलाकों में, खासकर डूंगरपुर के एरिया में, पहाड़ी इलाकों में पेट्रोल नहीं पहुँच सकता है, तो लोगों को मतलब घरों तक पेट्रोल पहुँचाने का जो इलीगल काम है वो, वैसे तो उसमें एक तरह से जो ये कांस्टेबल है
ये एक तरह से जो कहते हैं कि हफ्ता या वसूली ले रहा था कि वो काम वो आदमी जारी कर सके। तो एक वाइड स्केल करप्शन हमको लोअर लेवल पे जो दिख रहा है, जिस तरह से ये लोग, मतलब अगर एक आम आदमी महिला थाना जाता है, या जैसे ये पेट्रोल पंप वाला केस हुआ है, रूरल में पेट्रोल जाके दे रहा है, वो जो गैर कानूनी है, पर उसको काम को अलाउ करने के लिए कांस्टेबल पैसे ले रहा है, या पाली में एक यूडीसी क्लर्क है जो पंचायत राज में है, तो ये क्या होता है कि जो आम आदमी है उसके जीवन पे सीधा असर डालता है। जो आम आदमी का इंटरफेस जो है गवर्नमेंट के साथ या पुलिस के साथ, वहाँ पर इस तरह का जो करप्शन होता है, स्मॉल लेवल का करप्शन, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम होती है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब से थोड़ा सा फेरबदल हुआ है और रवि मेहरा ने चार्ज लिया है, तो लग रहा है कि थोड़ा सा ACB एक्शन में आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मनीष, कि जो जो बिग फिश है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, और दूसरी जो सवाल है वो ये है कि जब ACB कार्रवाई करती है तो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट से आता है, उसमें कई टाइम कई बहुत समय लगता है, और इनफैक्ट कई केसेस तो लंबित ही रहते हैं और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल हर्षा, निश्चित रूप से आपने एकदम सही कहा कि ये पब्लिक जो डीलिंग होती है डे टू डे बेसिस पर, उनसे जो करप्शन होता है उससे सीधा गलत मैसेज जाता है जनता को, और वही इमेज ACB इस वक्त पर सरकार के साथ मिलकर बदलना चाह रही है। और खासतौर पर बड़ी बात ये भी कि भले रिश्वत का अमाउंट जो है वो क्वांटम कम है, 25,000, 15,000, लेकिन इनके पीछे जब मामले खुलकर सामने आते हैं, मसलन जो बिलड़ी का गिरदावर पकड़ा गया दिनेश पांचाल, अब उसके घर से बताया जा रहा है करीब 42 लाख रुपए कैश मिला है। तो जिस तरह से आप कह रही कि बिग फिश जो हैं वो इनमें जाहिर तौर पर इन्वॉल्व रहती हैं, वो कब सामने आएंगी, उन तक कब ट्रैप होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त पे रवीश टेलर भी हमारे साथ टोंक से मौजूद है। रवीश, जिस तरह से हर्षा बता रही थी अभी महिला थाने का जो मामला है, ASI शंकर लाल को कोटा ACB की टीम ने ट्रैप किया, क्या पूरा मामला है जरा दर्शकों को आप तफसील से बताइए, और अब क्या इसके खिलाफ पहले भी इस तरह की कोई कार्रवाइयां हुई हैं इस थाने में? जी मनीष, अपने आप में अलग तरह का मामला है, संतोष की बात कर रही है, और जो हमारे सामने जो तस्वीर निकल के आई है उस तस्वीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवादी खुद हमारे साथ मौजूद है, जो इस पूरी कहानी को बताने के लिए तैयार है कि आखिर जो है किस तरह जो है जो ASI जैसे 20,000 की डिमांड करी, मारपीट करी, तो समझौता नहीं होने दे रहा था। अब बताया जा रहा है कि समझौता हो गया है, पति पत्नी के बीच जो मामला था उसमें समझौता हो गया है। मनीष, हम बात करेंगे, सौरभ क्या मामला था और क्या बात? सर, मेरी वाइफ के साथ हमारा समझौता हो चुका था, तो ये हम मामले को डिस्प्यूट रखना चाह रहे थे कि उनको मिसगाइड कर रहे थे कि मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं वैसा करवा दूंगा, और समझौता नहीं होने दे रहे थे, और मेरे को धमका रहे थे कि मैं तेरे को बंद करवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। तो इनने मेरे साथ बदतमीजी वगैरह करी, तो आज जैसे हम आए तो इन लोगों ने कि वो तो नहीं मान रहे, जबकि उनसे हमारी बात हुई कि भाई कोई ऐसा विचार नहीं था, उनको बार बार मिसगाइड कर रहे थे बार बार। आपका समझौते की बात परिवार से, जो आपकी पत्नी है उनके परिवार चल रही थी, हाँ, ये समझौता नहीं होने दे रहे थे और 20,000 की रिश्वत मांगी, बात कहाँ बनी? 50,000 की रिश्वत मांगी थी और लास्ट में बात 15,000 रुपये हुई। समझ सकते हैं कि पहले जो था पति पत्नी के बीच जो मामला था, दहेज प्रताड़ना का हो या जो भी परिवार का मामला हो, उस मामले में 50,000 की रिश्वत मांगी, फिर बाद में 20,000 पर आए, जबकि दोनों जो पक्ष थे, जो लड़की वाले लड़के वाले का, उनके बीच समझौते की वार्ता चल रही थी, और ऐसी सूरत में जो ASI 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। शंकर लाल वह नहीं चाहते थे कि बिना उनकी रिश्वत के ये समझौता हो, परिवार की दो कड़ियां वापस जुड़े। जी, तो क्या किस तरह से पूरा ट्रैप बिछाया गया था, क्या जानकारी रवीश आपके पास निकल कर आ रही, क्योंकि कोटा ACB ने ट्रैप किया टोंक में आकर, तो एक निश्चित रूप से वेल थॉट ऑफ एक्शन रहा होगा ये? जी मनीष, पूरी तरह कहा जा सकता है कोटा ACP के पास परिवादी सौरभ पहुंचे थे, उनका ये कहना था, कोटा ACP को उन्होंने सूचना दी कि मेरा एक मामला मेरी पत्नी के साथ चल रहा है जहां समझौते की बात चल रही है, और इस मामले में ASI जो शंकर लाल है वो उन्हें पहले उनके साथ बदतमीजी मारपीट कर चुके हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद कोटा की शिकायत पर कोटा ACP की टीम आज पहुंची, एक जाल बिछाया, और उसके अनुसार जो है ACP की टीम ने ASI महिला थाने के अंदर जो तैनात थे शंकर लाल, उनको उन्हीं के थाने में अपने ही महकमे में पुलिस ने अपने ही महकमे के एक ASI को 15,000 रुपए की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्हें मैं जहां मौजूद हूं वहां ACP टोंक का ये कार्यालय है जहां पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती रही है, और कोटा की जो टीम है वो इसी कार्यालय में भी मौजूद है, आगे की जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो थानेदार धमकियां दे रहा था,
रिश्वत की बात कर रहा था वो खुद सलाखों के पीछे जाएगा। जी अब बने रहिए रवीश, हर्षा का फिर से एक बार रुख करते हैं। हर्षा, जिस तरह से खुद जिस तरह से बताया कि जो महानिदेशक पुलिस एसीबी हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा, उन्होंने आने के बाद एक चेंज ऑफ एक्शन किया, थोड़ा स्पीड अप किया प्रोसेस को, और उन्होंने अपील भी किया लोगों से, जो टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन जारी कर लोगों को कहा है कि 1064 पर सीधा आप संपर्क करके सीधा बताइए, फौरन एक्शन होगा। आपको लगता है कि काफ़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है लोगों के साथ सीधा डायलॉग को लेकर, कि कोई इसी तरह का डे टू डे बेसिस पर, चाहे वो किसी भी महकमे में करप्शन आ रहा है, आप सीधा जुड़िए, फौरन कार्रवाई होगी, एक बड़ा मैसेजिंग की भी कवायद पुलिस महकमे की तरफ से की जा रही है, एसीबी की तरफ से? देखिए, ये जो टोल फ्री नंबर्स हैं 1064 और व्हाट्सएप का भी नंबर है वहाँ पर 94135 करके जो नंबर है, तो इसमें जो ये एसीबी की कार्रवाई है उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसमें साथ में एसीबी क्या करती है कि कुछ दिनों के लिए उनको अलाउड है, वो थोड़ा सा वो फ़ोन कॉल मॉनिटर करती है अगर आपने किसी तरह से फ़ोन कॉल किया है। फिर जब उनको कन्विंस होती है कि भाई इस तरह से कि यहाँ पर एक्चुअली लेन देन का मामला है और लोगों के लोग परेशान हो रहे हैं, तब वो पूरा ट्रैप बिछाती है। तो जैसे टॉक जो है वो कोटा डिवीजन में आता है, तो इसका मतलब उन्होंने पूरा एक ये सोच समझ के, जैसे आपने कहा, किया था ट्रैप किया है उनको। तो ये ट्रैप करके जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, इसका एकदम उनका केस स्ट्रांग बनता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसमें सबसे बड़ा लूप होल होता है कि आखिरकार आपको सरकार से सैंक्शन लेना पड़ता है प्रोसिक्यूशन के लिए, जो कभी कभी जो है सैंक्शन में बहुत समय लग जाता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसीबी ने बीच में एसीबी विवादों के घेरे में भी रही थी, जब उन्होंने कहा था कि आप नाम नहीं उजागर करेंगे, तो पिछले साल उसको लेकर भी काफ़ी हल्ला हुआ था और फिर वो आदेश जो था वो वापस लिया गया था। तो अब जो तरह से है ना कि नाम पब्लिश करना, वो भी एक तरह से डेटरेंट का काम करता है और एक तरह से करप्शन आइडिया है कि करप्शन को आप डेटर कीजिए, कहीं ना कहीं एक डेटरेंस पैदा हो, और वो काम एसीबी कर रही है, अगर इफेक्टिवली करना चाहे तो कर रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि जब से चेंज ऑफ गार्ड हुआ है तब काफ़ी एक्शन में आ गई है एसीबी। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से आपने बताया, लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत है, एकदम सीक्रेट रखा जाता है अगर आप किसी भी तरह की शिकायत करते हैं। हालांकि अगर जब ट्रैप होता है तो फिर ज़रूर शिकायत दी जाती है, उस रिपोर्ट में नाम आ सकता है। लेकिन जिस तरह से रवीश के साथ खुद परिवादी मौजूद हैं, रवीश जरा एक बार फिर इनसे बात करके समझिए कि, क्योंकि जिस तरह से हर्षा बता रही, लोगों को अक्सर डर लगता है इस तरह के करप्शन के मामले को जग जाहिर करने में, एसीबी तक पहुँचने में, कि उनकी लाइफ को कहीं खतरा नहीं हो आगे, वो बड़ी घबराहट रहती है लोगों के चलते, इसलिए काफ़ी मामले इस तरह से सेटल हो जाते हैं बिहाइंड द कर्टन। आपको लगता है कि जो परिवादी आपके साथ मौजूद थे, इनको किसी तरह का सपोर्ट रहेगा, और इनका क्या सोचना है इस बारे में? जी, हमने जब अभी परिवादी से बात की और हमने वो लाइव आने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी बात जो है कैमरे के सामने रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात की तो उनका समझौता हो गया था, पारिवारिक जो विवाद था उसमें समझौता हो रहा था, लेकिन एसआई पर उनका आरोप है कि वो समझौता नहीं होने देना चाह रहे थे। इसी के चलते जो उन्हें धमकाया जा रहा था, परिवादी ने यही कहा कि हमारा समझौता हो रहा था और हमें गलत फीडबैक दिया जा रहा था कि मैं समझौता नहीं होऊंगा, जो फंसा दूंगा, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्रवाई हुई है, एसीबी ने भी जो है परिवादी को सुनिश्चित किया है कि हम आपके खिलाफ जो है कोई गलत चीज नहीं होने देंगे। परिवादी ने अपनी बात कैमरे पे सामने आके लाइव आके रखी है एनडीटीवी पर, ये महत्वपूर्ण है। उनका यही कहना था कि मेरे को धमकाया गया, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे पिताजी को धमकी दी गई, फोन पर बुलाया गया, और आज जब वो यहाँ टॉक पहुंचे तो एसीबी की टीम के साथ थी, बैग जो सपोर्ट था वो था 15,000 की जब रिश्वत ली एसआई ने, थाने में बैठ कर रिश्वत ली, उसके बाद एसीबी ने अपना एक्शन दिखाया और फिलहाल जो है एसआई जो है शंकर लाल वो एसीबी की गिरफ्त में है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके घर की तलाशी है। क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आएगी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है कागजी जो संपूर्ण कार्रवाई होगी वो टोंक एसीबी कार्यालय में जारी है। बिल्कुल, बड़ा मामला था क्योंकि निश्चित रूप से महिला थाने से जुड़ा मामला था। बहुत शुक्रिया आपका रवीश और हर्षा भी, आप हमारे साथ जुड़े, और इसके साथ ही ये खबर भी दर्शकों को देते थे।